आप देख रहे हैं प्रेस एक्सप्रेस, मैं हूं आपके साथ हर्षिता। अनुराग ठाकुर ने उम्मीद जताई कि बाला साहब की शिवसेना और बीजेपी एएनसी कल्याण डोंबिवली निर्वाचन क्षेत्र में अधिक ध्यान के साथ मिलाकर लड़ेंगे और पहले से अधिक वोटों से निर्वाचित होंगे। कल्याण लोकसभा क्षेत्र में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर पार्टी के विकास को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं से चर्चा करने पहुंचे थे। क्षेत्र कोई भी हो, जाति धर्म नहीं बल्कि काम मायने रखता है। यदि आप आतंकवाद को रोकना चाहते हैं तो मुस्लिम युवाओं को सेना में भर्ती करें। गुलाब रसूल ने केंद्र से ऐसी मांग की है। इस सवाल का जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि देशों में चाहे खेल की टीम हो या सेना की टीम, उनका चयन किसी जाति या धर्म के आधार पर नहीं बल्कि उनकी उत्कृष्टता के आधार पर किया जाता है। भाजपा के ठाकुर ने संजय राउत की एक बुरी खबर ली। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जवाब दिया कि संजय राउत ने उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और विपक्ष के नेता अजीत पवार द्वारा लिए गए शपथ समारोह पर देवेंद्र फडणवीस की आलोचना करते हुए कहा कि दुनिया में 10 अजूबे हैं जो दिल्ली में और एक महाराष्ट्र में है। ठाकुर ने राय व्यक्त की कि संजय राउत द्वारा किए गए कांड पर चर्चा करना बेहतर होगा। चलिए वो ये उम्मीद लगा के बैठे, अगर उनकी यही उम्मीद है तो मुझे लगता है उनको निराशा ही हाथ लगेगी। ये सरकार गिरेगी नहीं बल्कि और मजबूती के साथ महाराष्ट्र का विकास करेगी। सर, स्मार्ट सिटी पे ही सरकार बनी थी जिसके वजह से आज सुबह से संजय राउत ने कहा है कि देवेंद्र फडणवीस 10वां अजूबा है जिसमें से 2 अजूबे दिल्ली में है। सर, ये शपथ विधि को लेकर पूछा गया है, शपथ विधि हुई थी ना पहले अजीत पवार ने, तो शरद पवार के कहने पर वो शपथ विधि हुई थी। भाई, जिनके बयान की आप बात करते हो, विश्वास कौन करता है? अभी अपने जवाब दें जहाँ पे देने, घोटालों के उतना कर दें तो काफ़ी। सर, विरोधी द्वारा बार बार कहा जा रहा है कि देश में चाहे खेल की टीम हो या सेना हो, कोई आपके जाति धर्म देख के नहीं, काबिलियत के आधार पर उनको रखा जाता है और वहाँ पर रहते भी हैं। आप इसकी चिंता छोड़ दीजिए कि कौन यहाँ से लड़ेगा या यहाँ वाला वहाँ से लड़ेगा, मिलकर लड़ेंगे, जोरदार ढंग से लड़ेंगे और पहले से बड़ी जीत दर्ज करेंगे।